दहशतगर्द इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। ताजा हमलों में 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी हो गए। खान यूनस से शहीद फलस्तीनियों की मुतअद्दिद लाशें बरामद हुई हैं। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,282 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशमी सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइल के मुताबिक हाशमी सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बेरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश कर दी। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म को नाम मंजूरी के लिए 8 साल कर दिया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम अराकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर कॉरिडोर चलाने के माहदे की तौसीह कर दी। ज़राए के मुताबिक माहदे में तौसीह 5 साल के लिए की गई। कॉरिडोर चलाने का माहदा 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए किया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तरक्की पज़ीर ममालिक पर कर्ज के बढ़ते बोझ जैसे कलीदी मसाइल को हल किया जाए। वाशिंगटन में G24 वज़रा और गवर्नर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए इंसानी तरक्की के लिए कारफरमा इदारों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कौमी असम्बली से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाली खबरों के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद कासिम गिलानी ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाली खबरों के हवाले से करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में लिखा गया है कि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाली खबरों के सद्देबाब के लिए स्कूलों, कॉलेज और इलिटरेसी ट्रेनिंग के इकदाम किए जाएँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम की तरह व्हाइट बॉल टीम में भी बड़ी तब्दीलियां करने की ठान ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को मुमकिन तौर पर कप्तान बनाए जाने का इम्कान है, जबकि टीम से फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया जा सकता है।
अर्जेंटाइन के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनल मेसी पहली बार अपने सीने पर कैमरा पहनकर फुटबॉल मैच खेलेंगे। MLS कप 2024 में इंटर मायामी के मैचेस के दौरान शायकीन टिकटॉक लाइव स्ट्रीम के जरिए उनकी नकलो हरकत को देख सकेंगे।